रोहित शर्मा ने उड़ाया पिंक बॉल टेस्ट का पहला छक्का, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे व ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा बल्ला भले ही नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपने नाम एक बेहद खास उपलब्धि हासिल कर ली। जी हां, इंदौर टेस्ट में फ्लॉप रहे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला पहले डे नाइट टेस्ट मैच में भी खामोश रहा। उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले, वह केवल 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस दौरान उन्होंने दो चौके और एक छक्के लगाए। इस एक छक्के की वजह से रोहित ने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। बांग्लादेश के 106 रन के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने पहली पारी की पांचवीं गेंद पर एक शानदार सिक्स जड़ दिया। इसके साथ ही वह पिंक बॉल टेस्ट में छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा रोहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम 398 छक्के को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। रोहित के नाम पर अब कुल 399 छक्के हो गए हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने अब तक कुल 534 छक्के लगाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 476 छक्कों के साथ पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं।